अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स फाइंड किए थे। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हमारे पास एक एग्जांपल होगी जिसमें आपने क्या करना होगा कि थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स फाइंड करने होंगे। सो एग्जाम्पल है हमारे पास के इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू टू नंबर्स, और वो टू नंबर्स हमारे पास गिवन है टू एंड वन बाई टू। टू एंड वन बाई टू के दरम्यान आपने क्या करने हैं, थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स को आपने पुट करना है। सो पहले स्टेप में क्या करने हैं कि लेट आप करेंगे जी वन, जी टू, जी थ्री आर थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू एंड वन बाई टू। सो वी कैन राइट, आपके पास पता है कि जब दो वैल्यूज के दरम्यान ज्योमेट्रिक मीन्स आप फाइंड करते हैं तो वो पूरी एक क्या बन जाती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन जाती है। सो आप लिखेंगे कि टू जी वन, जी टू, जी थ्री एंड वन बाई टू आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। अब हमारा टारगेट इसमें क्या है, जी वन की वैल्यू फाइंड करना, जी टू की वैल्यू फाइंड करना एंड जी थ्री की वैल्यू फाइंड करना। अगर आप इनको देखें ना कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो ये आएगा ए वन मतलब फर्स्ट टर्म, ये ए टू सेकेंड टर्म, ये ए थ्री, ये आएगा ए फोर और ये आएगा आपके पास ए फाइव। अब हमारे पास गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और इनमें से आपको दो टर्म्स पता है, ए वन पता है और ए फाइव पता है। ठीक है, ए वन और ए फाइव को आपने यूज करके जी वन, जी टू और जी थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो ए वन की वैल्यू आपके पास आ गई है टू एंड ए फाइव की वैल्यू हमारे पास गिवन है वन बाय टू। ठीक है, इन दो वैल्यूज को यूज करके हमने जी वन, जी टू एंड जी थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम यूज करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक, जो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसके जो जनरल टर्म फार्मूला होता है, जो जनरल टर्म है वो किसकी इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन से रिप्रेजेंट कर लूं, अब देखिए ए वन तो आपको पहले से पता है, ए फाइव हमारे पास गिवन है, हम क्या करेंगे इस ए फाइव को यूज करके आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको दो चीजें चाहिए होती हैं, ए वन की वैल्यू भी चाहिए और आपको आर की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जनरल टर्म फार्मूले देखें तो उसमें ए वन और आर दोनों आपको नजर आ रहे हैं, तो ए वन भी चाहिए होता है, आर भी चाहिए होता है और एन तो आपको पता है कि जिस नंबर की टर्म्स आप फाइंड करना चाह रहे हो आप उसमें एन की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, आपको एग्जैक्टली वो टर्म मिल जाती है। तो ए वन की आपको वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए फाइव की वैल्यू आपको गिवन है तो आपने क्या करना है, इस ए फाइव को यूज करना है और उसके लिए आपने जनरल जो टर्म है उसमें एन की जगह आप फाइव पुट करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा ए फाइव इज इक्वल टू ए वन आर फाइव माइनस वन। ठीक है, अब ए फाइव की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आ जाएगा वन बाय टू, ए वन की वैल्यू आपको पता है, ए वन की वैल्यू है टू, आर आपने फाइंड करना है क्योंकि हमारा इसमें टारगेट ही आर फाइंड करना है, और फाइव माइनस वन आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको आर की वैल्यू चाहिए तो ये जो टू है अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा फोर, आर फोर आ जाएगा। दोनों साइड्स पर अगर हम चले पहले इसको ऐसे लिख लें और स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिए जाए तो यहाँ इजीली आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा और वन बाय फोर का मतलब होता है वन बाय टू। ठीक है, अभी भी आर की वैल्यू फाइंड नहीं हुई तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने अगेन बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट यहां से
अच्छा स्टूडेंट, यहाँ एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2 और दूसरी वैल्यू आएगी आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पर स्क्वेयर रूट अप्लाई करें तो आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर रूट। यहाँ पर भी आप स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज क्लियर कर लें कि -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वेयर की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर -1 की जगह या लिख सकते हैं कि -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वेयर होता है, इसलिए मैंने इसको प्लस करने के लिए आयोटा स्क्वेयर के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आर, तो आर की दो वैल्यूज अगेन आ जाएंगी, प्लस माइनस वन का स्केयर रूट वन होता है और अंडर रूट टू का जो स्केयर रूट होता है वो अंडर रूट टू आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी स्केयर रूट अप्लाई करें तो आर की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस, आपके पास पहली जो वैल्यू आएगी वो देखें आयोटा स्केयर है, आयोटा आ जाएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट आयोटा, ठीक है। आर की स्टूडेंट आपके पास चार वैल्यूज आ गई, ठीक है। दो वैल्यूज आपके पास यहां से आई थी प्लस माइनस वन अंडर रूट टू, एंड आर की दो वैल्यूज यहां से आई थी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट टू आ जाएगी, ठीक है। हमारा जो मेन टारगेट है उसमें G1, G2 एंड G3 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली टारगेट है। अच्छा, अब G1 जो है, अगर आप इसको देखें ना, तो G1 जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपके पास है, वो सेकंड नंबर की टर्म बन रही है। वो कौन सी बन रही है? सेकंड नंबर की टर्म बन रही है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इस एन की जगह आपने टू पुट करना है। तो जब आप पुट करेंगे, पुट एन इज इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन नंबर वन, सो क्या आ जाएगा, a2 a1 आर टू माइनस वन। ए टू से क्या मतलब है, ए टू से क्या मतलब है, सेकेंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और वो किसकी इक्वल आ रही है, G1 की इक्वल आ रही है। सो G1 आपके पास क्या आ जाएगा, G1 इज इक्वल्स टू a1 आर टू माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहां से अगर आप देखें ना, तो G1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, ये आ गई। अब इसमें आपने वैल्यू सिंपल पुट करनी है, a1 भी आपको गिवन है और r भी आपको गिवन है, ठीक है। और अब इसमें देखिए आर क्या के बस चार वैल्यूज हैं, तो आपने बारी बारी चारों के चारों यहां पर पुट करनी है। सो अगर आप आर की वैल्यू पुट करें, सपोज कर लेते हैं वन, ये तो उस केस में G1 आपके पास क्या आएगा, G1 A1 की वैल्यू है हमारे पास, A1 की वैल्यू जो थी हमारे पास वो टू की इक्वल थी, सो ये आ जाएगा टू, और आर आपके पास आ जाएगा 1/√2, ये पहली वैल्यू है, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू आ गई है। अगर r की जगह -1/√2 पुट करेंगे तो उस केस में हमारे पास G1 जो है वो आ जाएगा -2/√2 आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट आप r की वैल्यू को चेंज करते रहें तो G1 आपके पास आ जाएगा। फिर आपको मैंने कहा कि आपको G1, जिस तरह आपने G1 फाइंड किया उस तरह G2 फाइंड करेंगे। G2 फाइंड करने के लिए उसमें आपने n की जगह 3 पुट करना है तो G2 आ जाएगा। G2 में भी आपने क्या करना है, r की चारों के चारों वैल्यूज पुट करनी है। सो उम्मीद है इससे आगे आप खुद कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।